सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ चुका एक और वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट की। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए लेकर आया हूँ रियलिस्टिक मॉब्स एनिमेशन मॉड। और गाइस, इस मॉड को यूज करने के बाद आप अपने माइनक्राफ्ट के मॉब्स के एनिमेशन को बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो और अपने माइनक्राफ्ट के मजे को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो चलो गाइस, मैं जल्दी से आपको ये भी शो करता हूँ कि यहाँ पर आपके मॉब्स के एनिमेशन कैसे होने वाले इस मॉड को इंस्टॉल करने के बाद। और एट द एंड मैं आपको ये भी शो कर दूंगा कि आप इस मॉड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे तो गाइस, इस मॉड की सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप इस मॉड को अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे आपके अचीवमेंट्स भी टर्न ऑफ नहीं होंगे, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो वो छोड़ो, यहाँ पे मैं सारे के सारे मॉब्स के स्पॉन एक्स लेता हूँ जहाँ पे आपको उनके एनिमेशंस देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये रहा एक चिकन, काउ, पिग और शीप भी आई थिंक सो है यहाँ पे। और यहाँ पे जॉम्बी मिल जाएगा, क्रीपर मिल जाएगा, हस्क विलेजर, जॉम्बी विलेजर और भी ढेर सारे मॉब्स पे आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगी। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं जो लिंक प्रोवाइड करी ना, वहाँ पे आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जाके चेकआउट कर सकते हो, साथ ही साथ मॉड को तो डाउनलोड कर ही सकते हो। तो यहाँ पे एक ग्लो स्क्विड भी है जिसका पूरा का पूरा टेक्सचर तक बदल चुका। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्लो स्क्विड और ये रहा हमारा ग्लो स्क्विड का स्पॉन एग। और यहाँ पे हमारी काउ को स्पॉन करते हैं और यहाँ पे आप हमारी काउ को देख सकते हो कितने ज़्यादा तगड़ी एनिमेशन आ रही है इसके ऊपर। मतलब इसके आप वॉकिंग एनिमेशन भी देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर यहाँ पे मैं इसको हिट करूँगा और ये दौड़ेगी ना, तो इसके एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये रही हमारी चिकन, इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब इसके जो रेड रेड है ना, उसको हिला रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर मैं इसको एक हिट मारूं तो ये जो भाग रही ना, उसका एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इवन शीप का भी यहाँ पे जो एनिमेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है एक बार कॉमेंट्स में जाके मुझे जरूर बताना। और ये रहा हमारा पिगी दादा, ये आँख बंद, मतलब आँख बंद करेंगे फिर आप इसे खोलेंगे, उसकी एनिमेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक सी लगती है। और यहाँ पे जब ना विलेजर है ना, वो फाइनली हाथ खोल चुका है, यानी कि एक वो असली विलेजर बन चुका है। ऐसा नहीं कि हाथ को हाथ में बांध के घूमते रहेंगे, इनने हाथ हटा लिए। और अगर मैं इनके सामने एक जॉम्बी को स्पॉन करवाना, तो यहाँ पे देखो इनने हाथ ऊपर करा और दौड़ने लग गए। और यहाँ पे अपने जॉम्बी भी कैसे एकदम मतलब अधमरे से दौड़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको पानी में स्पॉन करूँ तो यहाँ पे स्विमिंग भी कर रहे हैं, तो इसकी एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है एक बार कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज लाइक दिस। और ये रहा हमारा हस्क जिसकी एनिमेशन भी जॉम्बी जैसी ही है। और ये रहा हमारा स्क्विड जिसका आप टेक्सचर ही देख रहे हो तो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है, मतलब एकदम रियल स्क्विड लग रही है। और यहाँ पे हम इसको एक हिट मारेंगे ना, तो जो इसकी स्विमिंग एनिमेशन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये रहा हमारा ड्रोन जिसके हाथ में ट्राइडेंट है। और यहाँ पे आप इसकी एनिमेशन भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, यानी कि अगर ये ट्राइडेंट वगैरह थ्रो करेगा ना, तो उसकी एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये स्विमिंग करेगा ना, उसकी एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और वहाँ पे देखो अपना जो निठल्ला विलेजर है, वो भाग रहा है और कैसे डर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है देखने में। और यहाँ पे अपना एक जॉम्बी विलेजर भी है, उसकी एनिमेशन भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जॉम्बी विलेजर और ये रहा हमारा जॉम्बी विलेजर का स्पॉन एग। और इसको यहाँ पे स्पॉन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो जॉम्बी विलेजर भी कैसे दौड़ रहा है, मतलब मजा आ जा रहा है देख के, पूरे दिल को प्रसन्नता मिल जा रही है। और यहाँ पे और भी स्पॉन एग्स है, जैसे कि हो गया क्रीपर। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रीपर से लग रहा है कि टूट गया है और ये कुछ ही देर में बिखरने वाला है। और इसकी एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ड्रोन का तो मैंने आपको दिखाई दिया है। और ये रही हमारी लास्ट ग्लो स्क्विड, जो कि आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लग रहा है सही में भी ग्लो कर रही है। और यहाँ पे इसको पानी में डालते हैं तो यहाँ पे देखो पानी में भी ग्लो कर रही है, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चलो गाइस, मैं जल्दी से आपको ये भी शो कर देता हूँ कि आप इस मॉड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने कर दिया सेव एंड क्विट। और तो और जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर ही दिए, जल्दी जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आफ्टर डाउनलोडिंग आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली फाइल के ऊपर टैप कर देना है, आपका माइनक्राफ्ट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। पर अगर से कुछ नहीं हुए, कुछ एक्सट्रैक्टिंग की दिक्कत पड़े, तो डोंट वरी, मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है हाउ टू इंस्टॉल मॉड्स, उसको आप जाकर देख सकते हैं। बड़ी आसानी से आप भी मॉड्स इंस्टॉल करना सीख जाओगे। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अपने माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे करनी है क्रिएट न्यू वर्ल्ड।
और वाइल क्रिएटिंग यहाँ पे आपको अपना जो बेटर एनिमेशंस एड ऑन है ना इसको एक्टिवेट कर देना है, या फिर आप इसको डायरेक्टली सेटिंग्स में जाके ग्लोबल रिसोर्सेज में जाके इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो वैसे गाइस मैंने आपको एंडरमैन की एनिमेशन दिखाना भूल गया था, तो कोई नहीं, उसको आप जाके खुद से देख सकते हो, आपको और भी ज़्यादा मजा आएंगे। तो यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने के बाद कर दीजिए बैक, और यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा लोडिंग सोर्स पैक्स, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे आपको अपनी वर्ल्ड को ओपन कर देना है, और जैसे ही यहाँ पे अपनी वर्ल्ड को ओपन कर दोगे यहाँ पे आपके सारे के सारे मॉब्स के एनिमेशन हो जाएगी चेंज, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी रियलिस्टिक। तो होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, हो सके तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस लाइक दिस, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।